Assalamualaikum. If you are interested in baking, then today's video is for you because today I'm going to explain every step in detail. Welcome to Asian Cuisine 1. Let's start vanilla sponge cake recipe. Step 1. 4 अंडे लेंगे, उसको blend कर लेंगे 1.5 कप चीनी के साथ. चीनी यहाँ दानेदार इस्तेमाल करेंगे. वनीला एसेंस है 1 टीस्पून और फिर इसको ब्लेंड करेंगे 2 मिनट्स के लिए. दो मिनट के बाद अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे. ऑयल है 1 कप. ब्लेंड करेंगे 2 मिनट के लिए. स्टेप 2, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे. 2 कप मैदा है, इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करें. वन फोर टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, फिर इसको छान लें. इनको इसलिए छाना जाता है ताकि केक में कोई गुठलियां या लम्स ना बने. अब ये ड्राई मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है. नेक्स्ट है स्टेप 3. एक बाउल लेंगे, उसमें ड्राई और वेट मिक्सचर को मिक्स करेंगे. एक बाउल में वेट बैटर डाल देंगे. अब हमारे पास जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर था उसमें से आधी क्वांटिटी को हम पहले डालेंगे. और फिर सॉफ्टली इसको फोल्ड करेंगे. इसी तरह आपने आराम से ही फोल्ड करना है, जल्दी नहीं करनी है वरना केक का बैटर नीचे बैठ जाता है. यानी केक जब बनाते हैं बेक करते हैं तो वो फूलता नहीं है, ओवर मिक्सिंग की वजह से वो इशू आता है. पेशेंटली इसी तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है. अब हमने फर्स्ट हाफ क्वांटिटी प्रॉपरली फोल्ड कर ली है तो हम बाकी की ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको भी फोल्ड कर लेंगे. अगर केक का बैटर अच्छे से रेडी होगा तो फिर केक भी अच्छा बेक होता है. Cake batter is ready and this is just perfect consistency. And now we will go to the step 4, and step 4 is grease the mold and shifting the batter. Pan size is 9 inches. 9 inch ka size hai pan ka. केक मोल्ड को भी ग्रीस करेंगे, फिर बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद उसको भी ग्रीस करेंगे. इस तरह इजीली केक से पार्चमेंट पेपर रिमूव हो जाता है और केक को डी मोल्ड करना इजी हो जाता है. एंड अब इसको हमारे पास जो बैटर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं. लास्ट में आप इसको आलमंड के साथ डेकोरेट कर लें. मैं जस्ट कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ और जब ये साइड्स पे लग जाते हैं
तो बेक करते हुए इनके वेट की वजह से केक की जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी नीचे दब जाती हैं और सेंटर से केक उठ जाता है और इट लुक्स लाइक अ UFO और स्पेसशिप। नाउ स्टेप 6 इज बेकिंग, और बेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या हम स्टोव में बेक कर लें या ओवन में बेक कर लें। मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको स्टोव पे बनाने का तरीका एक्सप्लेन करूंगी। आपने एक देचकी लेनी है और चूल्हा बंद रखना है, उसमें एक छोटी सी प्लेट रख देंगे और उसके ऊपर केक मोल्ड को रख देंगे। आपने प्री हीट नहीं करना है। उसके बाद इसको लिड से कवर कर दें और फिर चूल्हा ऑन करें और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम हीट पर पकाएं। फिर 50 से 60 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है जब तक ये परफेक्टली बेक ना हो जाए। और इफ़ यू वांट टू बेक इन ओवन देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब ये बेक हो गया है, टूथ पिक टेस्ट होगा, अगर ये क्लियर आता है तो इट्स जस्ट परफेक्टली बेक। इसको 15 मिनट के लिए कूल होने दें और देन डीमोल्ड इट। ऊपर से आप पाउडर शुगर और आइसिंग शुगर से फर्दर डेकोरेट कर सकते हैं। एंड इट्स रेडी। यू कैन सी कि ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है और कितना सॉफ्ट है। एंड माई फेवरेट पार्ट, दिस इज टेस्ट टाइम। वाओ, यम। एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक इट एंड डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड होम दे सब्सक्राइब कर दो। Allah Hafiz.